नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आप सबको खुशामदीद। आज जुम्मा है और हस्ब साबिक नजम सेठी साहब मेरे और मुर्तजा सोलंकी साहब के साथ मौजूद हैं। नजम सेठी साहब से आज जो है हम मुल्क की जो सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज उनका इदारिया भी छपा है द फ्राइडे टाइम्स में, जिसमें उन्होंने मुल्क में जो बड़ी सुर्खियां हैं, हेडलाइंस जो हैं, उनको उनका तजिया पेश किया है सबको। और यकीनन जो उस वक्त सूरत हाल बन रही है, जो सबसे अलार्मिंग मसला है, जहां पे कशीदगी दिखाई दे सकती है सड़कों पे, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरने हैं और उनके मुतालबात हैं, जो कि वो समझते हैं कि हकूमत ने 3 माहों के बावजूद पूरे नहीं किए। फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी, फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करना और दीगर कई ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर हुकूमत ने उनको अश्योरेंस दी थी लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन सरे दस्त वो ये कह रहे हैं कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए और फिर वो आगे कोई मुज़ाकरात करेंगे। पहली तो ये हमारी होगी बात। दूसरी, आप सबके इल्म में है जो पिछले चंद बल्कि 2 हफ्तों से मसला बना हुआ है एक नोटिफिकेशन का, वो नोटिफिकेशन आज भी नहीं आया। बहुत सी इसके ऊपर थी कयास आराइयां कि आज शायद वो इश्यू हो जाएगा, और नोटिफिकेशन से मुराद नए DGISI की तकरूरी का नोटिफिकेशन। और यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो अपने मौकफ पर डटे हुए हैं, और इसके अलावा वो अब सऊदी अरेबिया भी कल जा रहे हैं। इस सूरत हाल में जो है शेख रशीद साहब ने क्रिकेट मैच देखने भी जाना है, और यहाँ पर मुल्क में सूरत हाल अजीब बन रही है। बल्कि आज तो ऐसा हुआ है कि 2 जो पुलिस वाले हैं वो भी, उनकी बड़ी एक ट्रेजिक खबर आई है अभी कि वो भी उनको हलाक हुए हैं वो इस पूरे स्टैंड ऑफ के दरमियान। और इससे आगे हम ये भी बात करेंगे कि अभी IMF के साथ जो मुजाकरात है वो भी खटाई में है, FATF में हम ग्रे लिस्ट में है। अमरीका बहादुर जो है वो क्या चाहता है, क्या पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ा रहा है, और अजाइम क्या है, इन सब मौजूद पर गुफ्तगू होगी। तो सेठी साहब, सबसे पहले तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे बात करते हैं जो आज की सबसे बड़ी खबर है, और उसके ऊपर आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि दोबारा से उनकी मोबिलाइजेशन स्टार्ट होगी। हमने देखा था पिछले साल बड़ी मारा मारी हुई, बल्कि इस साल के शुरू में भी हुई, और ये कहाँ जा रहा है मामला और ये क्यों हो रहा है? देखिए साहब, तहरीक लब्बैक की जो पैदाइश है वो तो हमें पता है किस तरीके से ये पैदा हुई। रिजवी साहब जो थे सीनियर, बहुत जबरदस्त ऑरेटर थे और बड़ी जबरदस्त उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, और तारीख के ऊपर भी बहुत काबू था, तो इसलिए वो बड़े जबरदस्त स्पीकर थे, बड़ी पर्सनालिटी, पावरफुल पर्सनालिटी थी। उन्होंने बनाई थे लब्बैक, मगर लब्बैक को जो हिमायत मिली फ्रॉम एजेंसीज उस वक्त नून लीग के खिलाफ, उससे जाहिर है कि उनका दिल भी बड़ा हुआ और उनकी तादाद भी बढ़ती गई। यहाँ तक कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब लोगों ने यह कहना शुरू किया कि लब्बैक जो है ये तो बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बैन किया जाए, इसको बैन किया जाए, तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये हमें कहा जा रहा था कि हम बैन करेंगे तो मसला बन जाएगा, हम इनको मेन स्ट्रीम करते हैं, मतलब है कि इनको हम रेडिकल इस्लाम से हटाकर मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं, इलेक्शंस में इनको हिस्सा दिलवाते हैं। अगर प्रॉब्लम ये रहा कि एक तरफ तो वो जिस किस्म की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और इलेक्शन कमीशन के जो कानून थे उनको वो पूरा नहीं कर पा रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको बैन करना पड़ा, और जब बैन कर दिया तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि गवर्नमेंट ने बैन किया, मगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये प्रेशर था कि हमने मेन स्ट्रीम करना है तो इनको इलेक्शन लड़ने दें। तो गवर्नमेंट ने दो, एक हाथ से उनको बैन किया, दूसरे हाथ से उनको इलेक्शन की तरफ धकेला। बैन इसलिए किया कि आप, हम चाहेंगे तो वहां से भी रोक सकते हैं आपको, मगर आप चाहे, बेहतर यह है कि आप ये रास्ता इस्तेमाल करें, फिर ये बैन भी जब आप पीसफुल हो जाएंगे तो उतार दिया जाएगा। तो ये टैक्टिक्स थे, एक हाथ से बैन करना, दूसरे हाथ से इलेक्शन में उस तरफ धकेलना कि आप उधर जाएं। फिर आपने देखा कि इलेक्शन में भी, जो बाई इलेक्शन भी हुए और उससे 2018 की इलेक्शन में भी ठीक ठाक वोट ले गए, चौथी या पांचवें नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे आ गई लब्बैक, खसूसन कराची में तो ठीक ठाक, और पंजाब में भी कुछ एरियाज में। तो मतलब है कि वो मेन स्ट्रीमिंग तो हो गई, मगर जैसे वो मेन स्ट्रीमिंग होती है तो उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग जो नून लीग से मायूस थे और उन्होंने इमरान खान को वोट डाला था, अब इमरान खान से मायूस होके एक ऐसा तबका है जो कि जो कि अब लब्बैक की तरफ जा रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जा रहा, लब्बैक की तरफ जा रहा है। इसलिए
हर जो कंस्टिट्यूंसीज हैं 80-90 कंस्टिट्यूंसीज में इन्होंने पंजाब के अंदर इन्होंने 5,000 से 9,000 10,000 5,000 10,000 वोट लिए, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, और ये बढ़ेगा। मेरा ये तजिया है कि ये दिन ब दिन इनका सपोर्ट बेस बढ़ेगा, जितनी इस मुल्क की मईशत क्राइसिस में जाती है, जितनी बेरोजगारी होती है, जितनी क्रिमिनलिटी बढ़ती है, और जितनी ये हमारी हाइब्रिड रिजीम कोलैप्स करती है विदाउट गिविंग गुड ऑप्शंस, उतने ही ज्यादा इनका सपोर्ट बेस बढ़ेगा, और ये एक कतरा कतरा करके एक समुंदर बन जाएंगे एक वक्त आएगा तो, अगर अगर इसको सही तरीके से टैकल ना किया गया तो। अब आइए, ये तो होगी बैकग्राउंड, टैकल कैसे करें? उन्होंने जो डिमांड अपनी क्रिएट की है वो जाहिर है उनका इंटेग्रल हिस्सा है, उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है, उसके बगैर वो ग्रो ही नहीं कर सकते। वो यही कि जी जो पेग उन्होंने किया है, जिस पेग के ऊपर लबैक उन्होंने अब फ्रांस के एम्बेसडर के ऊपर हमला किया है कि जी इनको हटाएं यहाँ से बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड फ्रांस के अंदर, जो फ्रांस प्राइम मिनिस्टर ने जो मौकफ लिया वो कार्टून्स के ऊपर, और तो इसलिए, और उन्होंने विड्रॉ भी नहीं किया, तो इसलिए यहाँ फिर ये बैकलैश आई। और ये बैकलैश आनी थी, उसकी वजह यह है कि लबैक इसके अलावा और कोई इनका डिमांड ही नहीं है, बड़ी फोकस्ड किस्म की रिलीजियस आइडियोलॉजी, वो भी वन पॉइंट एजेंडा। तो अब तो ये तो उन्होंने करना ही है अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब पहले इन्होंने उनसे वादा किया कि यार आगे आगे 3 महीने के बाद हम निकाल देंगे, तो कुछ मेरा ख्याल है कुछ धमकी दी, कुछ प्यार मोहब्बत किया, तो फिर ये वापस चले गए, फिर ये वापस आए, फिर यही धमकी, फिर यही इसी किस्म की चीजें हुई। अब वो, और जब उन्होंने देखा हुकूमत ने कि ये तो अब साद रिजवी जो है उनके जो लीडर, वो बात नहीं मान रहे, थोड़े मिलिटेंट होते जा रहे हैं, और जाहिर है उसको मिलिटेंट होना ही था बिकॉज उसका रैंक एंड फाइल, उससे वही तवक्को करती थी जो उनके वालिद से तवक्को करती थी, वो वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट लीडर। तो ये प्रेशर था फ्रॉम बिलो फॉर ऑन साद रफीक, भाई तुम भी तो कुछ दिखाओ ना गट्स, तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। तो उसने किया, तो इन्होंने उसको जेल में डाल दिया। मेरा ख्याल है हो सकता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होगी हो कि मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, मुझे जेल में डालें आप, हो ऐसे भी हो सकता है, आई डोंट नो। ये भी हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो कि इसको तो जेल में डालें फिर, बिकॉज आपको याद होगा जिस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया था, मतलब ओपनली, और भी तरीके होते हैं अरेस्ट करने के, बड़े प्रोवोकेटिव तरीके से उनको अरेस्ट किया, वो उतरे उनको पकड़ के ले गए। तो अब जब ये इनका डिमांड आया कि जी इनको रिलीज किया जाए और एम्बेसडर को आउट किया जाए, तो हाई कोर्ट ने बेल दे दी। जब बेल दे दी तो मैं बड़ा हैरान था कि गवर्नमेंट ने क्यों अपील किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वापस भेजे और हाई कोर्ट को कहे ये भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, और इस बेल को कैंसिल किया जाए। मैं बड़ा हैरान था कि यार अगर तो इनके साथ कोई मुकमुका होना है कि आपकी बंदे को बेल करवा देते हैं, और अगर आप फ्रेंच एम्बेसडर का जो डिमांड है उसको छोड़ दें, ड्रॉप कर दें फॉर द टाइम बीइंग, हम अपने बंदे को, तो वो तो फिर जाहिर है कि जब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम बेल कैंसिल कराते हैं, इसका मतलब है कुछ नया प्रॉब्लम आ गया होगा, या तो वो मान नहीं रहे होंगे कि जी हम वो फ्रेंच एम्बेसडर वाली डिमांड जो है इसको ड्रॉप कर दें या मुलतवी कर दें, या कोई और प्रॉब्लम आया होगा। इन्होंने फिर वापस नेगोशिएटिंग पोजीशन अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दी कि जी वापस भेजिए और बेल कैंसिल करें। मैं समझता हूँ अभी भी ये जब नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे, क्योंकि अब हो गई रहा कि वो आप बाहर आ गए हैं, धरने कर रहे हैं, लॉन्ग मार्चेस कर रहे हैं, बंदे मर गए हैं पुलिस के, और टेयर गैस मैं देख रहा था अभी सीन्स, टेयर गैस लंबी चल रही है, और भी तशद्दुद और वायलेंस हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त एक ही कार्ड है, वो यही है कि पहले बेल कैंसिल करवाएं, फिर इनके साथ बैठ के नेगोशिएशन करें और फिर बेल करवा दें, या उतनी देर तक बेल को पेंडिंग रखें ताकि अपो, और जब तक इनके साथ कोई बैठ के बात नहीं होती तो फिर साद रफीक के साथ जेल में बात करके उनको हाई कोर्ट को प्यार से समझा दिया जाए कि जी इनको बेल कर दें, या वो पुराना जो जो केस है उसको रहने दिया जाए। मगर ये बात इस तरीके से कुछ चल रही है जो मुझे नजर आ रहा है, बट दिस इज वेरी डेंजरस। आप देख रहे हैं तस्वीरें, 5-10 हजार बंदे इकट्ठे हुए हुए हैं, और ये हमेशा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट ये इतने बंदे इकट्ठे कर लेते हैं आराम से, और बड़े मिलिटेंट हैं। आप देखिए इनका जज्बा और इनकी नारे बड़े मिलिटेंट हैं, जाहिर है, जाहिर है। बेटी साहब, आप तो पंजाब के वजीर आला भी रहे हैं एक जमाने में, पंजाब में सबसे बड़ी बदमाश है पुलिस, और पंजाब पुलिस को काबू करना उनको करना, बल्कि मैं आपको एक बताता हूँ, आज मुझे किसी ने बताया कि काम पुलिस वाला जो है वो सवाल जवाब कर रहा था मेरे एक
दोस्त से, और वो कह रहा था कि भाई ये हमें फिर से कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा कि वजीर जो हैं, गुजरा जो हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, वो तो दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं और वजीर आजम कल सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और जो दीगर हुकूमत है वो एब्सेंट है और हमें इनके सामने छोड़कर आपने जो है फिर से हमें मरवाना है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार तो बड़ी बहुत पुलिस वाले शहीद हुए थे और हमारी पार्लियामेंट ने बजाय पुलिस वालों का साथ देने के इनका साथ दिया था, वो भी हमें याद है सारा कुछ। तो मैं तो ये तो इजाफा किया, लेकिन मैं सिरी साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ जो हो रहा है अब देखा खतरनाक है। टाइमिंग, टाइमिंग हमेशा एक चीज सवाल उठाती है, क्या ये कोइंसिडेंस है, यानी हुस्ने इत्तफाक है कि इधर एक फड्डा चल रहा है इस्लामाबाद और पिंडी में, इधर सड़कों पर मोबिलाइजेशन हो गई है। कुछ लोगों का कहना नहीं नहीं ये तो ऐसे ही होना था क्योंकि साद रिज़वी को बेल मिल गई, नहीं निकाला, रिहा नहीं हुए, तो इसलिए ये चीज हो गई है। आप इसको कैसा देखते हैं? मैं जारी बात है, आई डोंट वांट अ कंस्पिरेसी थ्योरी, ना ही मैं उसको मैं बिलीव करता हूं, लेकिन समथिंग इज फिशी। बात ये है कि आइदर देयर इज अ कंस्पिरेसी और देयर इज नो कंस्पिरेसी। इफ देयर इज अ कंस्पिरेसी देन एवरीथिंग इज फिशी, एंड इफ देयर इज नो कंस्पिरेसी देन यू आर जस्ट स्मेलिंग फिशेस वेयर देयर आर नो फिशेस। अब बात ये है रजा कि मेरा ख्याल है अभी तो कंस्पिरेसी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है पिछले 10-12 दिन से, ये तो मेरा ख्याल है इतनी जल्दी अगर उसके बेसिस के ऊपर कोई कंस्पिरेसी बनाई जाए एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो बनती नहीं है इतनी जल्दी। और इनके भी जो प्लान्स हैं ये कोई नए नहीं है, ये काफी अरसे से इन्होंने अनाउंस किया हुआ था, जस्ट फॉलोइंग थ्रू ऑन दोज। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो पीडीएम ने भी लॉन्च कर दी है अपनी पूरी तहरीक और जलसे जुलूसों की, और इन्होंने भी कर दी है, इसका एक ही नतीजा है कि पीडीएम वाले भी देख के कि ये मिलिटेंसी के बगैर काम नहीं चलेगा, एंड मुमकिन है वो वहां भी मिलिटेंसी हो, वहां भी टियर गैसिंग हो, वहां भी फिर मसले बन जाए जब वो सड़कों पे निकले हो। क्योंकि उनका ये प्लान नहीं है कि जी बड़े बड़े जलसे करके घर चले जाने, उनका यही प्लान है कि जलसे छोटे छोटे जलसे करने, फिर लॉ, फिर मार्चेस करनी, फिर एहतजाज करना, फिर शोर शराबा करना, फिर ये जिस तरीके से ये एहतजाज करे मार्च करना, फिर वो मार्च जब करते हैं तो लोग हाथ से भी निकल जाते हैं, गुस्सा भी होता है उसमें, कल को कोई ना कोई वहां से दो गोली चल जाए जैसे मॉडल टाउन में हुआ था, पता ही ना चले गोली कहीं कहां से आई, किसने दी, तो फिर क्या होगा? पीडीएम के ऊपर हो जाए, इनके ऊपर हो जाए, आज इनके लोग और मारे जाए, क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि आपको पता है मैं कब से ये कह रहा हूँ, एक चिंगारी 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 किसी जगह से भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। और आवाम इतनी थकी हुई है, गुस्से में है, टूटी हुई है कि किसी वक्त भी, आज लबाइक में 5,000-10,000 लोग इकट्ठे हो गए, पीडीएम में 5,000-10,000 हो जाएंगे, छोटे छोटे शहरों में अगर मजदूर और किसान और बाकी प्रोफेशनल क्लासेस वो भी सोचे कि अब वक्त आ गया है। बिकॉज मैंने देखी है ना यहाँ जो तहरीक जब बनती है 70s की भी देखी है, कैसे ही शुरू होती है बात और फिर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, 200-300 लोग निकलने आज शुरू हो जाते हैं हर मोहल्ले में, हर गली में, और हर जगह पे छोटे छोटे धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद 15-10-12 दिन अगर ऐसे चले तो फिर हलचल शुरू हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, और एंड सो ऑन।